वो गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। तो चलिए आपको बताते हैं कि बी टाउन की कौन सी एक्ट्रेस ने तलाक लेकर अपने पति की जिंदगी से जाने का क्या लिया। आपको बताते हैं सेलेब्स की डाइवोर्स एलिमनी के बारे में। और चलिए शुरुआत करते हैं सैफ अली खान और अमृता सिंह से। तो बता दें कि सैफ अली खान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि अपनी 13 साल की लंबी शादी को तोड़ने के लिए सारा अली खान ने उनसे बतौर एलिमनी 5 करोड़ रुपए लिए थे। इतना ही नहीं, सैफ अली खान अमृता को 1 लाख पर मंथ भी दे रहे थे। ये 1 लाख सैफ को तब तक देने थे जब तक उनके बेटे 18 साल के नहीं हो जाते। लिस्ट में दूसरा नाम ऋतिक और सुजैन का है। सुजैन को लेकर तो ये खबर सामने आई थी कि सुजैन ने 380 करोड़ रुपए बतौर एलिमनी लिए हैं, जबकि बाद में ऋतिक ने सामने आकर इन खबरों को अफवाह बताया था। हालांकि ये खबर पक्की है कि सुजैन ने भी करोड़ों में एलिमनी ली। लिस्ट में तीसरा नाम है फरहान खान और उनकी पहली पत्नी अधूना का। अधूना ने फरहान से अलग होने के लिए 16 साल की शादी को तोड़कर बतौर एलिमनी फरहान से 10,000 स्क्वायर फीट का एक मेंशन लिया। इसके साथ साथ फरहान ने अपनी दोनों बेटियों के नाम, जो कि फरहान और अधूना की बेटियां हैं, खूब सारी इन्वेस्टमेंट भी हुई है। लिस्ट में अगला नाम है अरबाज मलाइका का। मलाइका ने अरबाज से अलग होने के लिए उनसे बतौर एलिमनी 10 से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। वहीं आखिरी नाम है करिश्मा कपूर और संजय कपूर का। करिश्मा कपूर को संजय कपूर से 10 लाख पर मंथ मिलते हैं और इसके साथ साथ संजय ने लगभग 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपने दोनों बच्चों के नाम की हुई है, समायरा और कियान, जो कि करिश्मा और संजय के बच्चे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।